चैप्टर 6 ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में ऑलरेडी हमने क्लासेस पढ़ चुके हैं। क्लासेस क्या होते हैं, जिसमें हमने डिफाइंड और क्लासेस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखा था। अब पढ़ने वाले 10.2 ऑब्जेक्ट्स। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सो ऑब्जेक्ट एक रन टाइम फिजिकल एंटिटी होता है या फिर लॉजिकली एंटिटी होता है। ये लॉजिकली एंड फिजिकली एंटिटी दोनों ही होता है, लेकिन क्लास जो होता है केवल लॉजिकली एंटिटीज होता है। ये हमेशा पर्सन, प्लेस या एनीथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो ऑब्जेक्ट होता है, जब भी हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो जिसको बनाने के लिए हमें जो जो आवश्यकता होती है उसको बारे में सोचना होता है। जैसे मुझे एक गाड़ी बनानी है तो मुझे क्या एक टायर की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं टायर के बारे में सोच रहा हूँ। ये लॉजिकल है, ठीक है। यहाँ पास एक लोहे के यहाँ से लेके आता है, कब एक सामान लगेगा, मुझे कांच लगेगा, मुझे क्या लगेगा, लाइट लगेंगी। तो क्या लॉजिकली मैं डेटा के बारे में सोच रहा हूँ तो एक क्लासेस हो जाएंगी। और जब मैं उन लॉजिकली को सोच के जब हम चीज़ों को बना चुके होते हैं तो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो हमने ये सब सोचा, फिर काम किया, रन टाइम फिजिकली काम किया, रन टाइम यानी करंट टाइम में काम कर रहे हैं और गाड़ी बना डाले, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब माल हमारा बन के तैयार हो जाता है तब हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो अब इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट पॉइंट में क्या क्या आता है। फिलहाल हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा एट्रीब्यूट के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। जैसे इसमें एट्रीब्यूट क्या होगा, ये रेड कलर का, इसमें वाइट कलर की लाइन खींची हुई, यहाँ पास शीशे का उपयोग किया है, टायर हमेशा ब्लैक कलर का होगा, लाइट हमेशा कोई भी कलर जले। तो एट्रीब्यूट यानी जिस जो जो उसमें खूबियाँ हैं, जो जो उसमें प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। बिहेवियर उसका कैसा होना चाहिए, गाड़ी काफ़ी स्मूथ चलनी चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, ये सब उसका बिहेवियर आ गया। आइडेंटिफाई, तो जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसका नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए, उसे आइडेंटिफाई कहते हैं। यूनिक का मतलब क्या है, जैसे नॉर्मल गाड़ी, तो गाड़ी में सभी गाड़ियाँ आ जाती हैं, लेकिन गाड़ी का नाम रखने से, जैसे रॉल्स रॉय, ये अलग ब्रांड बन गया, ये एक यूनिक नेम हो गया। तो हमेशा ऑब्जेक्ट का नाम हमें यूनिक रखना चाहिए, जिससे उसका नाम लेते ही हमें पता चल जाए हाँ भाई उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास का इंस्टेंस करता है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा मेमोरी को लोकेट करता है, हीप मेमोरी, हीप के अंदर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मेमोरी ले रहा होता है, लेकिन क्लासेस कोई भी मेमोरी नहीं ले रहा होता है। शॉर्टली रिविजन की जाए तो शॉर्ट में डिवीजन करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है ये रन टाइम एंड फिजिकली एंटिटीज होता है या फिर लॉजिकली एंटिटी होता है। ये किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे हम किसी गाड़ी को बना रहे हैं तो माइंड में सोच रहे हैं कि गाड़ी कैसे बनेगी, मुझे टायर की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे कांच लगेंगे, मुझे लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लॉजिकली उस डेटा के बारे में सोच रहे हैं। जब हम उस डेटा के बारे में सोच चुके होते हैं, अब जब हमें गाड़ी बनाना होता है तो रन टाइम यानी करंट टाइम, अब जब चीज़ों को बना रहे होते हैं तो हम फिजिकली एंटीजन, फिजिकली यानी अब हमें ज़रूरत पड़ रही है वो चीज़ों को, तो हम वो सब चीज़ें खरीद के रख ली, अब हम बना चुके गाड़ी। तो जब हमारी गाड़ी बन चुकी होती है तो हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो उसको वो हमेशा एटीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। स्टेटस यानी गाड़ी रेड कलर की होनी चाहिए, गाड़ी हमेशा स्मूथ चलनी चाहिए, ठीक है। जो उसको प्रॉपर्टी होंगी उसे स्टेट कहते हैं। बिहेवियर, गाड़ी का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी स्मूथ होनी चाहिए। आइडेंटिफाई, गाड़ी को हमेशा यूनिक नेम देना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और साथ में जो ऑब्जेक्ट होता है मेमोरी की लोकेट करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।